بسم الله الرحمن الرحيم. गवर्नमेंट डिग्री एंड पीजी कॉलेज हुसैनी आलम के तमाम तलबा और तालबात का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर वादे दक्कन पर इस्तकबाल है। एक अहम खबर लेकर के हम हाजिर हो रहे हैं, वो खबर ये है कि गवर्नमेंट डिग्री एंड पीजी कॉलेज हुसैनी आलम में सेमेस्टर फर्स्ट से लेकर के सेमेस्टर सिक्स तक प्रैक्टिकल AECC, GE, प्रोजेक्ट वगैरह के तमाम मराहिल तय हो रहे हैं। इसलिए ऐसे तलबा और तालबात जिन्होंने बैकलॉग का फॉर्म फिल किया है, ज्योग्राफी के हैं या किसी साइंस के सब्जेक्ट के हैं, उनके प्रैक्टिकल छूट गए हैं, या रेगुलर स्टूडेंट हैं जो कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं, तो उन्हीं तमाम लोगों के लिए मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं और इस वीडियो के ज़रिए से ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि डी फार्म आ चुके हैं, तमाम क्लास इंचार्जेस के पास, साइंस का सब्जेक्ट है तो साइंस की फैकल्टी के पास, बीए का है तो शोभा रानी मैडम के पास, बीकॉम का है तो बीकॉम सेक्शन में मंजिला मैडम के पास, और तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, जूलॉजी है तो जूलॉजी डिपार्टमेंट में, फिजिक्स है तो फिजिक्स के डिपार्टमेंट में, बॉटनी है तो बॉटनी के डिपार्टमेंट में, और माइक्रोबायोलॉजी है तो माइक्रोबायोलॉजी के डिपार्टमेंट में तमाम को डी फार्म फराहम किए जा चुके हैं। ये तमाम इम्तहान 20 तारीख तक मुकम्मल कर लेने हैं। तो ऐसे तमाम तलबात व तालबात जिन्होंने फीस पे की है, उन्हें इस बात की इत्तला नहीं है, तो इस वीडियो के ज़रिए से यह पैगाम हम उन्हें पहुंचाना चाहते हैं कि आप इस बीच में अपने असातिज़ा से, अपने लेक्चरर से, अपने प्रोफेसर से आप रابطہ कायम करें, नहीं तो एग्ज़ाम ना देने की सूरत में आप एब्सेंट हो जाएंगे और फिर एक साल बर्बाद होगा, क्योंकि बैकलॉग का जो एग्ज़ाम है अब हो रहे हैं तो इसके बाद एक साल के बाद ही होंगे। तो हम कोशिश करें कि हमारा कोई एग्ज़ाम किसी तरह से छूटने ना पाए। प्रोजेक्ट के जो तरीक़ेकार बताए गए हैं वो आप अपने लेक्चरर से मालूम करें, किस तरह से मरहला तय होना है, और आपके AECC, GE क्या है, इन तमाम चीज़ों को जानना है। अगर डी फार्म में कोई बच्चा जिसका नाम नहीं आया है, उसने फीस पे किया है, तो ऑफिस स्टाफ जनाब राजशेखर जी से आप मुलाकात करें ताकि आपका नाम ऐड हो सके और आप एग्ज़ाम लिख सके। एग्ज़ाम स्टार्ट होने की सूरत में, यानी 21 तारीख से हमारे इम्तहानात होने हैं, उस सूरत में बीच में कोई एग्ज़ाम मुनक़िद नहीं हो पाएगा, और 30 तारीख तक ये मार्क्स अपलोड करने का पोर्टल ओपन रहेगा, लेकिन चूंकि स्टूडेंट्स नहीं रहेंगे इसलिए सारे एग्ज़ाम 20 तारीख तक ही मुकम्मल कर लेने हैं। हॉल टिकट एग्ज़ाम्स के अभी नहीं आए हैं, आते ही इसी चैनल पर हम आपको इसकी इत्तला देंगे, ख़बर देंगे किस तारीख को हॉल टिकट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसकी भी मालूमात हम आप तक पहुंचाएंगे। शर्त यह है कि हमारे इस YouTube चैनल पर वादे दक्कन के साथ जुड़े रहें ताकि आपका कोई पेपर छूटने ना पाए, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। एक अहम खबर कि बहुत सारी फेक न्यूज़ चल रही हैं, एग्ज़ाम जुलाई में होंगे, प्रोसीडिंग आने वाली है, तो मैं आपको बता दूं कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने इसकी वजाहत कर दी है कि डेट आगे नहीं बढ़ेगी, आपका इम्तिहान 21 तारीख से ही स्टार्ट होगा। तो किसी भी वहम में मुब्तला ना हो, किसी फेक न्यूज़ पर यकीन ना करें। आपके कॉलेज का ये चैनल पर वादे दक्कन इस तरह की बहुत सारी मालूमात आप तक पहुंचाता है, तो आप इस पर यकीन करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को मुकम्मल देखें। बहुत सारी वीडियो हम नहीं देखते हैं और फिर दरख्वास्त करते हैं कि उसका लिंक भेज दिया जाए, तो हमारे पास इतना वक्त नहीं रहता कि हम आपको लिंक्स भेजते रहें।
आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आने के बाद आप देखें, और जो इंटर के जो तलबा और तालबात हैं, आपके घरों में भाई हैं बहन हैं, उनको इस बात की इतला दें कि बहुत जल्द दोस्त का की वेबसाइट ऑन होने वाली है, खुलने वाली है, तो तमाम के तमाम कोर्सों से मुतालिक मालूमात फराहम करें। कॉलेज में आकर के दोस्त कोऑर्डिनेटर से आप राब्ता कायम करें ताकि एडमिशन में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। एडमिशन से मुतालिक भी हम तमाम मालूमात इस चैनल पर फराहम करते रहेंगे। बेहद शुक्रिया, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।